हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूँ, और इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के बारे में क्लास इलेवंथ के। तो जितने भी क्लास टेंथ के बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं 18 तारीख को, और अब वो इलेवंथ क्लास में जाएंगी। और रिजल्ट्स और एग्जामिनेशंस के बीच में लगभग 1.5 महीने का टाइम होता है, जो आपको बिल्कुल पता नहीं होता हम क्या करें कैसे करें, तो इसका सही यूज़ कर सकते हो आप। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आप इस गैप में क्या कर सकते हो। उसके अलावा इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली फिज़िक्स के बारे में बात करूँगा कि फिज़िक्स में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप जब क्लासेस ज्वाइन करो तो आपको फिज़िक्स रियलिटी में समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जैसे भी बच्चे जाते हैं और बिना किसी प्रिपरेशन के क्लासेस में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, और धीरे धीरे फिज़िक्स उन्हें बेकार लगने लगती है, बोरिंग उन्हें महसूस होता है, और वो फिज़िक्स को नहीं पढ़ पाते। हालांकि बच्चे फिज़िक्स को पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते, तो इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न मैं आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो में। और बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए कि आप वहाँ पर जाकर फिज़िक्स को बढ़िया से समझ पाओ। तो देखिए, जैसे आप क्लासेस में जाते हो तो कुछ स्कूल्स में यहाँ पर एक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास 12-15 दिन चलाए जाते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है जो आपको फिज़िक्स में आगे चलकर यूज़ होती हैं, बिकॉज फिज़िक्स इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। तो आपको बता दूं कि फिज़िक्स में आपको मैथमेटिक्स के वो सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल, और कई स्कूलों में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले से पढ़कर आए होंगे तो मे बी ना भी पढ़ाए जाएं। तो वो टॉपिक्स मैं बता देता हूँ कि आपको इन गैप में वो पढ़ लेना है, और उसके अलावा आपको क्या क्या कर लेना है ताकि आपको फिज़िक्स में अपने क्लासेस में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहला टॉपिक होता है बेसिक मैथमेटिक्स, उसके अंडर आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स आते हैं। इनके अलावा कई जगह ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई जाती है, तो वो मैं आपको मैथ्स में भी बता चुका हूँ, आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कर लेना। थोड़ा बहुत इलेवेंथ का भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं, वो आप रिवाइज़ कर लेना। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, जो कि आपको आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्पफुल होगा। तो मैं बता दूं कि आपको इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर अवेलेबल है, और आप वहाँ से पढ़ सकते हो जाकर। और मैं बता दूं कि इन पर क्वेश्चंस भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई सी भी पुरानी सी किताब आप उठा सकते हो, या आपको गूगल से भी यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन पर बेस्ड। तो ये टॉपिक्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बिल्कुल करके जाना है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है इस बात के लिए। इसके अलावा जब आप फिज़िक्स पढ़ोगे तो उसमें पहला चैप्टर तो बिल्कुल कोई पढ़ाता भी नहीं है, और वो क्लासेस में मे भी ना हो, आप उसको पढ़ सकते हो। और जो सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो चैप्टर मैं कहूँगा कि आप खुद से पढ़ सकते हो और इस गैप में बिल्कुल पढ़ लेना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप खुद से पढ़ के जाना, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेना, और एनसीईआरटी की बुक्स जो है एटलीस्ट क्लास इलेवेंथ की आप अभी जाकर मार्केट से ख़रीद लो, ताकि आप क्लासेस में जाओ तो मैं नहीं चाहता कि आप जाओ और बिल्कुल मतलब अच्छे से आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो ये सारी प्रिपरेशन आप पहले से करके जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा आप चाहो तो 9th का फिज़िक्स जो आपने पढ़ रखा है वो आप थोड़ा बहुत रिवाइज़ करके जाओ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह जो भी हैं वो आप पढ़ कर जाओ वहाँ पर। हालांकि 10th से तो काफ़ी ज़्यादा 11th का रिलेशन नहीं होता फिज़िक्स में, लेकिन 9th से होता है, तो मैं कहूँगा कि 9th के साइंस का जो फिज़िक्स वाला पोर्शन है उसको आप पढ़ के जाओ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा मैंने बाकी चीज़ों पर भी वीडियोज़ बना रखी हैं, और अगर आप 10th के बच्चे हो तो मैं आपको जो बुक्स आपको सेलेक्ट करनी है उन पर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वो भी वीडियो जल्द आएगी, और आपको ये वाला भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।